हेलो गाइस, वेलकम टू आपके फैक्ट्स। और जब बात करने वाले हैं चाइना और उसकी टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर हम बात करें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में, तो गाइस चाइना इस पूरे वर्ल्ड में अपनी टेक्नोलॉजी के लेकर बहुत पहले से फेमस था, चाहे वो टीका इन्वेंशन हो या पेपर का या फिर चाहे सिविल एग्जाम का। गाइस, आज पूरी दुनिया में फेमस चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का प्रमाण देती ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे बनाना स्टार्ट किया गया था 7th century में, और 20 साल के अंदर अंदर इन्होंने 21,196 किलोमीटर की लंबी दीवार खड़ी कर दी थी, जो कि आज स्पेस से भी देखी जा सकती है। बट गाइज, उस टाइम पर यह दीवार उतनी कारगर साबित नहीं हुई, इसलिए इसे अगेन 13th century से 15th century के पास रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया, और इसके कुछ हिस्सों की मरम्मत 19th century में भी करवाई गई थी। और गाइज, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पत्थरों को जोड़ने के लिए जिस मोर्टार यानी कि मसाले का यूज किया गया था, उसे बनाने के लिए मिट्टी और स्टिकी राइस यानी कि पानी में उबले हुए चावल से बनाया गया था। और आज पूरी दुनिया में जितने भी पिग यानी कि सुअर हैं, उसके ऑलमोस्ट 50% चाइना में है। चाइना की टोटल पॉपुलेशन 1.44 बिलियन है यानी कि 144 करोड़, और यहाँ पर 60% लोग चाइनीज फोल्क धर्म को मानने वाले हैं। गाइस, चाइना आज पूरी दुनिया में फेक आइटम बनाने और सेल करने में सबसे ज्यादा आगे है। यहाँ पर आपको फेक चावल, फेक मांस भी मिल जाएंगे। और गाइस, चाइना में बनाए जाने वाले खिलौने यूज्ड कंडोम से बनाए जाते हैं। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट पर कुछ भी इलीगल चीजों को एक्सेस करने के लिए जितनी भी VPN कंपनीज VPN प्रोवाइड करवाती हैं, उनमें से 95% कंपनीज चाइनीज हैं। पिंग पोंग, जो कि चाइना का नेशनल स्पोर्ट है, जिसे हम लोग टेबल टेनिस के नाम से जानते हैं। और गाइस, आज पूरी दुनिया के टॉप 5 टेबल टेनिस प्लेयर्स चाइना से हैं। गाइस, चाइना क्रिकेट और पोलो जैसे स्पोर्ट्स नहीं खेलता, जो कि ओलंपिक्स में नहीं खेले जाते हैं। चाइना सिर्फ और सिर्फ वही स्पोर्ट्स खेलता है जो कि ओलंपिक्स में अलाउड हैं। और गाइस, चाइनीज टेक्नोलॉजी का दूसरा प्रमाण देती द ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना है, जो कि इस पूरी दुनिया की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर यानी कि ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर है, और इसे 5th century के आसपास बनाया गया था, जो कि ऑलमोस्ट 6 सालों के अंदर तैयार कर दी गई थी। बट इसके बाद भी इस पर कई अलग अलग राजाओं के राज में कई बार काम कराए गए। और गाइस, यह चाइना की कैपिटल बीजिंग से होंगजाओ तक जाती है। और अगर अब हम बात करें 21st century की टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो गाइस रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, उसका ऑलमोस्ट 40% अकेले चाइना में हो रहा है। और गाइस, अगर अभी हम 2021 में देखें, तो दुनिया के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रोबोट्स चाइना के पास ही हैं। चाइना की कैपिटल यानी कि बीजिंग का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजिंग डाओसिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी हाल ही में ओपन हुआ है, वह दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और वही बीजिंग का पहला एयरपोर्ट जो कि बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट है, वह दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। चाइना का ग्रोथ गाइस अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों से ऑलमोस्ट 5 गुना तेजी से हो रहा है। चाइना के पास आज ऑलमोस्ट 7 cities हैं, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क और जापान के टोक्यो से ज्यादा विकसित हैं। और गाइस, चाइना के हांगकांग में दुनिया के किसी भी शहर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं, यानी कि सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची इमारतें हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा चाइना का हांगकांग, जबकि हांगकांग एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट ऐसा नहीं है। हांगकांग और मकाऊ दोनों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर ही आते हैं। इनमें कुछ हद तक ताइवान भी आता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन सभी को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को हैंड ओवर कर दिया था। बट ताइवान कभी भी खुद को चाइना के अंदर नहीं मानता है। बट गाइस, यह सच्चाई है कि ताइवान चाइना का ही एक पार्ट है, क्योंकि UN की पॉलिसीज के अनुसार ताइवान एज अ कंट्री नहीं है, बल्कि वह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर ही आता है। और तो और गाइस, चाइना के अनुसार तिब्बत भी चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है। असल में ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि गाइस चाइना की तरक्की में ऑलमोस्ट 50% हाथ ताइवान का है, क्योंकि चाइना और ताइवान अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल कंपोनेंट्स बनाना बंद कर दें, तो पूरी दुनिया का 96% इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल कंपोनेंट्स बनाना बंद हो जाएंगे। इसलिए गाइस, चाइना को द गॉड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का अकेले 96% इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना बनाता और एक्सपोर्ट करता है। इसने 2020 में ऑलमोस्ट 1800 बिलियन US का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किया था। ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन, जो कि पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 40% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाती है, यह कंपनी ब्लैकबेरी के मोबाइल फोन्स, एप्पल के आईफोन्स, आईपॉड्स, आईपैड, निंटेंडो स्विच, नोकिया के स्मार्टफोन, सोनी के PS3, PS4, माइक्रोसॉफ्ट के Xbox 360 और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाती है। असल में जो ओरिजिनल कंपनीज होती हैं, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं, मैन्युफैक्चर नहीं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, नोकिया, Xiaomi, सोनी,
आसूस, एसर, एचपी यानी कि हावलेट पैकर, डेल, लेनोवो, ऑलमोस्ट हर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी जैसे कि फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, कॉम्पल, क्वांटा कंप्यूटर्स जो कि पूरे वर्ल्ड का 65% कंप्यूटर कंपोनेंट्स बनाती है, टीएसएमसी जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी है, जो कि एप्पल के प्रोसेसर्स, एएमडी यानी कि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस के प्रोसेसर्स, एनवीडिया ग्राफिक्स, क्वालकॉम और इंटेल के भी प्रोडक्ट्स बनाती है। Likely, if you have a smartphone, you have something made by TSMC. ये सभी कंपनीज ताइवान की हैं, बट इनका 80% मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज चाइना में है। गाइस, चाइना की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सभी 7 कंपनीज मिलकर पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 96% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाती हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये नहीं है कि ये मोबाइल या कंप्यूटर बेस्ड ही हैं, इनमें कार कंपोनेंट्स लाइक जीपीएस, ऑटो ड्राइविंग और मेडिकल डिवाइसेस भी शामिल हैं। और अब अगर बात करें चाइना की स्पेस एजेंसी यानी कि CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशन की, तो गाइज उसने अभी 2020 के जुलाई में मार्स मिशन किया था, जिसमें उसने एक साथ ही ऑर्बिटर, रोवर, लैंडर भेजा था मंगल पर, जिसमें से ऑर्बिटर 10 फरवरी को मंगल के ऑर्बिट में पहुंच गया था सक्सेसफुली, और लैंडर और रोवर अभी रास्ते में हैं, जो कि ऑलमोस्ट मई तक मंगल की धरती पर पहुंच जाएंगे। जो चाइना आज 2021 में कर रहा है वो हम इंडियंस ने चाइना से ऑलमोस्ट 7 साल पहले ही कर दिया है, बट हमने अभी तक सिर्फ ऑर्बिटर भेजा है मंगल पर, और अभी 2022 का मार्स मिशन जिसे पोस्टपोन करके 2024 कर दिया है, जिसमें अगेन हम एक ऑर्बिटर भेजेंगे मंगल पर, बट अभी इसरो लैंडर और रोवर के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। और अगर अब हम बात करें चाइनीज रेलवे टेक्नोलॉजी के बारे में, तो गाइस अगर हम चाइना के टोटल रेलवे ट्रैक्स को मिला दें तो हम अर्थ का टोटल 2 राउंड लगा लेंगे। आज चाइना के पास गाइस दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन हैं। दुनिया के टॉप 3 सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन चाइना के पास ही हैं, जिनमें से नंबर 1 है शंघाई मैगलेव जो कि 431 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है, दूसरी है फुक्सिंग हाओ जो कि 420 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है, तीसरी है CRS 380 की तीनों सीरीज ABC जो कि ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। और इन सब के अलावा चाइना इस साल मई के लास्ट तक एक मैगलेव ट्रेन का टेस्ट करने वाला है, जो कि शायद दुनिया के सबसे तेज ट्रेन लियो सीरीज जापानीज मैगलेव ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 640 किलोमीटर से भी ज़्यादा की बताई जा रही है। ट्रेन के अलावा चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नेटवर्क है। गाइस टेस्ला इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पर क्या आपको पता है कि चाइनीज कंपनी इस टाइम पर टेस्ला से ऑलमोस्ट 20 गुना तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है। चाइना के पास टोटल 1.4 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जबकि अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस इन सभी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिला दें फिर भी ये चाइना के जितना नहीं होगा। और नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो नाम ही छोड़ दो, क्योंकि चाइना के पास पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 35% नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। चाइना के पास आज ऑलमोस्ट 30 मिलियन से भी ज्यादा नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अगर हम इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान इन सभी के नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिला दें फिर भी ये अगेन चाइना के जितना नहीं हो पाएगा। और गाइस मिलिट्री में चाइना के पास पूरी दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री है, जिसमें ऑलमोस्ट 23 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं, और चाइनीज नेवी के पास पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा 76 सबमरीन्स हैं। दुनिया की ग्लोबल 500 फॉर्च्यून कंपनीज के लिस्ट में चाइना की टोटल ऑलमोस्ट 140 कंपनीज से भी ज्यादा हैं, जिनमें से मेन कंपनीज हैं बाइडू, टेंसेंट होल्डिंग, अलीबाबा, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, हुआवे टेक्नोलॉजी, लेनोवो ग्रुप, शाओमी टेक। और अगर बात करें दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज की लिस्ट में, तो गाइस इसमें चाइना की 3 कंपनीज हैं। पहला है सिनोपेक ग्रुप जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग का काम करता है, दूसरा है स्टेट ग्रिड जो कि पावर जनरेशन का काम करता है, और नंबर 3 पे है चाइना नेशनल पेट्रोलियम जो कि ऑयल एंड पेट्रोलियम कंपनी है। चाइना इस पूरी दुनिया में सक्सेसफुल तो बन गया, बट उसका क्या जो उसने पोल्यूशन करा। गाइस चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखाई देती हो या ना दिखाई देती हो ये तो नहीं पता, बट उसका पोल्यूशन साफ दिखाई देता है। गाइस चाइना पूरी दुनिया के सबसे पोल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 14 पर है, बट इस लिस्ट में नंबर 1 पे बांग्लादेश, नंबर 2 पे पाकिस्तान और नंबर 3 पे हमारा इंडिया है। चाइना के कैपिटल बीजिंग 2018 तक दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी थी, बट अभी ये टॉप 10 में भी नहीं आती। चाइना की करंट पोल्यूटेड सिटी है वुहान, जहां से कोरोना स्टार्ट हुआ था, और अभी 9 अप्रैल 2021 को हार्बिन सिटी जो कि चीन के हाईलॉन्चिंग नाम के प्रांत में है, यहाँ अभी तक की सबसे बेकार एयर क्वालिटी पाई गई है जो कि 235 AQI था। अगर आप यहाँ पर 30 डेज विदाउट मास्क सांस लेते हैं तो जहाँ आप 70 साल में मरने वाले थे वहाँ आप 40 साल में ही मर जाएंगे। और गाइस दुनिया के सबसे ज्यादा टॉप 50 पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में चाइना के ऑलमोस्ट 28 सिटीज हैं, बट ये मत भूलिए कि हमारे इंडिया के भी
ऑलमोस्ट 12 सिटीज हैं। बट गाइस चाइना पोल्यूशन के लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि 2018 के टॉप 50 पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में चाइना के ऑलमोस्ट 38 सिटीज थी और टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में 6 सिटीज थी। बट आज पूरी दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में चाइना के सिर्फ और सिर्फ 2 सिटीज हैं और हमारे इंडिया की 7। तो गाइस ये थी चाइना की कुछ इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज जिनके बारे में हर एक कंट्री को एक बार सोचना चाहिए। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अपने को नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पार्ट 2 बनाएं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।